जिन्ना जिन्ना कहना ना साग वेख सानू पार्सल कर छोड़ो ओ ए मिर्चा एक चम्मच खाए इनिया जिनिया है चम्मच तो ओनू साग देना पार्सल होइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप से लोग मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से आज जो है काफी दिनों बाद कह लें कि पीछे आपको नजर आ रहा होगा हल्की हल्की जो है ना धूप निकली है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है। कल तो जो है ना थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है लेकिन उसके बाद जो है ना सुबह फुल धुंध थी, लग नहीं था रहा कि धुंध जो है ना आज खत्म होगी। मतलब काफी ज्यादा धुंध थी घरों यहाँ, मतलब घरों में भी जो है ना कुछ इतना सही से नजदीक से नजर नहीं था आ रहा। कि अल्लाह पाक का शुक्र है धूप जो है तकरीबन दोपहर के टाइम, मेरे ख्याल में अभी पूरे 1 बजे का टाइम हुआ है, माशाल्लाह से सूरज जो है ना निकल आया। सब्जियां बेचने वाले भी आ गए हैं। धूप निकली है तो आमिश ने जो है ना अपने ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट भी ला के बाहर रखे हैं। इतने दिनों के बेचारे अंदर ही थे, जाहिर है बाहर भी ठंड थी, बाहर निकालने का क्या फायदा होना था। तो अभी उसने बाहर निकाल के यहाँ पे सामने रखे हैं, लटकाए हैं दीवार के साथ। और इधर ये मेरे ख्याल में पता नहीं तितर कहते हैं या फिर बटेर कहते हैं इन्हें, ये वो है। धूप जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पे किधर गई है मैडम, पता नहीं छुप गई है, देख के ड्रामे शुरू कर देती है। ये चेक करें, इधर जो है ना फुल धूप इंजॉय हो रही है। और ये मैडम मोहतरमा भी जो है ना काफी दिनों बाद आज बाहर निकली है अपनी पुरानी जगह पे हैं। अभी स्टाइल चेक करना। चाबलिया इधर चाबलिया इधर। अबू जी ने अमरूद पकड़ाया, शोखी बन गई है। अभी मुझे भी दो मुझे भी दो दो मुझे थोड़ा सा दो। चवले नहीं मारनी, छोड़ दो दे दो थोड़ा सा। इस बेचारी के लिए अच्छा हो गया। चलो हम तो जो है इसे अंदर बंदा देखते थे, मैं बड़ा तरस आता था इस पे जो है ना बेचारे कितने दिन हो गए अंदर ही बंदी हुई है, तो इसके लिए जो है ना अच्छा हो गया धूप निकले। हमारे तो चलो खैर ही है, देखना भी अभी तंग नहीं करते इसको जो है ना, अमरूद खाने देते हैं, हम करते हैं जाके अपना काम। धूप निकली है तो आज अम्मी जी ले आए यहाँ पे साग, चेक करें सरसों का मज़ेदार सा साग अभी बना तो नहीं है। अम्मी अकेले नहीं थे गए, हम भी जो है ना गए थे साथ। जब हम लेने गए थे ना तब थोड़ी ठंड थी, धुंध भी हल्की हल्की है थी, लेकिन साग जो है ना घर ले के आए हैं तो जो है धूप निकले। ये थोड़ा सा मैंने काटा है, काट के यहाँ पर रखा है। और ये चेक करें हमारी छुरी जो है ना, छुरी भी बेचारी टूट गई हुई है आगे से थोड़ी सी, फिर भी जो है ना काम कर रही है। ये ऊपर से जो है ना कचरा वगैरह जो एक्स्ट्रा वो उतार के फेंक रहे हैं। तो माशाल्लाह साग जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम लेके आए हैं, ये सिस्टर ने जो है ना काटा है। अम्मी जी साफ़ करते जा रहे हैं साथ साथ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काट के रख लिया। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम आग जला लेते हैं। सूरज माशाल्लाह से जो है ना मज़े का निकला हुआ है आज, तो अंदर तो नहीं जलाएंगे आग क्योंकि अंदर बैठ के मज़ा भी नहीं आना साग बनाने का, ज़रा देर से पकता है तो अंदर नहीं। तो अल्लाह पाक ने जो है रहम किया है, क्या कह जो भी है कि सूरज जो है ना तरस आ गया अल्लाह जी को हम पे कि सूरज जो है निकल आया। तो मैं जो है यहाँ पे फटाफट से अभी जो है ना चूल्हे में जला लेती हूँ आग, इससे पहले कि सूरज जो है ना फिर से चाबलियाँ कर जाए यानी कि छुप जाए बादलों के पीछे। मैं जनाब अभी लेने आई हूँ यहाँ से पाथियाँ, डोगनी हमारी ये बैठी हुई है। तोरा पर पहले दाबरे में लेके जाते हैं, मैं तोरा ही ले आई हूँ कि फुल जो है ना भर के ले जाते हैं, बार बार ना लेके जानी पड़े। तो ये चेक करें कितनी जो है ना ज़्यादा पाथियाँ अम्मी जी ने जमा करके रखी हुई हैं। और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, गाँव में जो है ना औरतों ने पाथियों का रेट भी जो है ना बढ़ा दिया हुआ, कहती हैं और चीज़ों पर जो है ना इतनी महंगाई हो गई हुई है तो पाथियों का भी रेट बढ़ा दे। पहले जो है मेरे ख्याल में 3 रुपये की थी, जब सर्दियाँ शुरू हुई 4 रुपये की थी उन्होंने, तो जो है ना अभी ज़्यादा सर्दियाँ आ गई ना 5 रुपये की कर दी हैं। इनकी भी कैटेगरी होती है जो पाथियाँ है ना, कुछ इधर तो मेरे ख्याल में अभी वो है ही नहीं है, कुछ दीवार के साथ लगाते हैं तो वो जरा मतलब हल्की पाथी होती है तो उसका जो है। हाँ ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ से निकाल के सारे भी ना गिर जाए। हाँ ये चेक करें, ये जो पाथी है ना ये दीवार के साथ लगाते हैं बना के ना, तो इस तरह दीवार होती है ना दीवार के साथ ऐसे लगाते हैं, वो सामने लगी हुई है। ये वो चेक करें, ये चेक करें,
तो ये जो है ना थोड़ी सी हल्की होती है, तो इसका रेट जो है ना अभी पहले 3 रुपए था, अभी 4 रुपए कर दिया हुआ है। तो उसके बाद ये जो मतलब बना के जमीन पे ही ऐसे रख देती है ना, ये चेक करिए, थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी बड़ी भी होती है, ऐसे जमीन पे ये मतलब बना के रखते हैं। तो इसका रेट अभी पहले 4 था, अभी 5 कर दिया हुआ है इसका रेट। जो मतलब सेल करते हैं गांव में, हम तो सेल नहीं करते, हमने तो जो है ना बस अपने लिए जमा की हुई है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है, तो गैस इतनी महंगी है। तो मेरे ख्याल में ये पाथी 4 रुपए की लेंगे तो कितनी आएंगी, 100 की कितनी आएंगी, तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से अगर लोग गैस गैस भी फिर मेरे ख्याल में महंगी होगी ना। बाकी जो भी सिस्टम है ठीक ही है, सबका चल ही रहा है, जैसे भी हालात हो करना ही है। जाहिर है कुछ लोगों ने गैस के साथ, कुछ लोगों ने ये मजबूरी है जाहिर, किसी ना किसी तरह करके सब ने अपना जो है ना टाइम निकालना ही होता है। तो मैं जो है ना फटाफट से अभी डाल लूं तोरे में पाथियां। धूप भी वैसे जो है ना कभी निकल रही है, कभी जो है मतलब कि सूरज जो है ना लुकन छुपी लुकन मीटी पंजाबी में, और हाँ छुपन छुपाई उर्दू में छुपन छुपाई जो है ना खेल रहे। तो आग लगा के ना चूल्हे में पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, अभी गर्म होता है ना। तो फिर जो है ना इसमें हम साग ऐड करते हैं, बस ये वाला काम अभी मैंने खत्म करना था फटाफट, क्योंकि माशाल्लाह से साग अभी हमारा रहता है काटने वाला, साथ साथ पानी गर्म हो जाएगा ना, फिर जितना जितना काटते जाएंगे ना वो मतलब रेडी करते जाएंगे, वो साथ साथ में देचके में डालती जाऊंगी, तो साथ साथ जो है पकता जाएगा। बाद में माशाल्लाह से है भी ज्यादा, ज्यादा एक साथ डालेंगे तो वो फिर जो है ना ऐसे बाहर को गिरने लग जाता है, उबल रहा होता है ना पानी भी, पानी भी बाहर को गिरता है, फिर इर्द गिर्द जो है ना गंद भर जाता है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, साथ साथ काट लेते हैं वहां सुकून से बैठ के, और यहाँ जो है ना पानी गर्म होता जाता है हमारा। ये थोड़ा सा रह गया ना, तो ये जो काट लिया ना पानी गर्म हो गया ना, तो मैं साथ साथ ही जो है डालती जाऊंगी, थोड़ा फिर जो है ना वो नीचे होता जाएगा। ये चेक करें, थोड़ा सा मैंने पहले भी डाला है, तो ये भी जो है मैं डाल देती हूँ धो के। ये साथ जो है थोड़ा सा नमक डाल देते, मैं अपना बताऊं ना सही बात है, मेरा जरा मूड नहीं था कि साग हम पकाएं। अम्मी जी ने जो है ना थोड़ी जिद की है कि पका लेते हैं, क्योंकि 2-3 दफा पहले भी हम पका चुके हैं, तो जाहिर है हमारी मानी तो नहीं थी जानी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं, फिर ना दाबे पड़ जाए मना करेंगे, तो बाद में मना कर दिया ना अम्मी जी ने, बोला कि साग पकाना है, हमने मना कर दिया ना कि नहीं ना पकाना। बाद में जब हमने पूछ रहे ना कि क्या पकाएं, तो अम्मी जी ने कहना है जो मर्जी पकाओ, मैं को नहीं लिया के देना कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो पका ही लेते हैं, और वीडियो भी बनाते हैं साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, स्पेशली जो है ना आज का जो पका हुआ साग है ना हमारी यूट्यूब फैमिली के नाम, मतलब आज की सारी वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए होते, लेकिन आज की जो मतलब जिनको पसंद है साग, जो रहते हैं बाहर, जिनको मतलब ये गाँव का देसी साग नहीं मिलता, उनके लिए जो है स्पेशली ये आज की वीडियो जो है ना उनके नाम है, जो कहते हैं कि हमें साग बड़ा पसंद है, हमें पार्सल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, हाय गाँव की जिंदगी ये वो, ये कहना बड़ा आसान होता है, आ करे हैं भी ना गाँव में तो पता चले कि जाहिर अगर पसंद है जो चीज़ पसंद है वहां पे आके रहे, बस यही तो नहीं कहना कि गाँव की लाइफ हाय इंजॉय, हाय खेत सबज खेत साग फलां टींग ये वो मक्खन शक्खन, आके रहे भी यहाँ पे और पता चले, फिर पता चले कि आपको गाँव जो है ना पसंद है, हमें पसंद है, हम यहाँ रह रहे हैं गाँव में, इंजॉय कर रहे हैं गाँव की लाइफ को, साग भी हमें पसंद है, हम पका के खा रहे हैं साथ आपको भी जो है ना दिखा रहे हैं। बाकी जो है ना आज की ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के नाम, जिनको गेहूँ पसंद है, साथ में साग पसंद है, पता नहीं फिर क्या क्या पसंद है गेहूँ की चीजों में से, तो उनके लिए ही। साग तो जनाब यहाँ पे हमारा पक रहा है, तो यहाँ पे जो है ना ये मिर्चें साबित लाल मिर्चें जो है ना घर की, ये कूट के डालनी है साग में, ये मैं कूटने लगी थी, मुझे कहते हैं लाओ मैं करती हूँ। शॉपर में जो है ये साग के लिए स्पेशल रखी हुई है किसी से लेके, ये उतार उतार ये उतार रहे हैं अम्मी, और मेरे हाथों की जो हालत चेक कर ले साग पकाते हुए, ये ऐसे नहीं कूटी जानी, ये बताती हूँ मैं कैसे कूटी जानी है। साग पकाने लगे ये थोड़ा सा पानी लेके ना गर्म, हमारा काकू जो है ना पीछे से रो रहा है, ड्रामेबाजियां कर रहा है बहुत रोया है। ये पानी और थोड़ा सा नमक डाल के ना फिर कूटेंगे, फटाफट से कूटी जाएंगी।
अम्मी जी पहले मतैर के साथ लगे हुए थे, इसके साथ नहीं थी, स्कूटी जा रही है। मुझे अभी वो चट्टू का वट्टा नहीं होता वो पकड़ लिए, इसे जो है ना इधर रख दिए। और इनके काम चेक करें, कितने पुराने बन के बैठे हुए हैं इधर चारपाई पे। अम्मी लोग इधर बैठे हुए थे, धूप में, धूप निकली थी। तो ये जो है ना वो बेचारी मेरे नाल दे रही है, वो भी ये भी ये इसका साथी, वो ऊपर उसके साथ ने नीचे बैठी हुई है, और वो दोनों साथी ये इधर बैठ के हुए हैं, और ये दोनों साथी उधर जा रहे हैं, और वो मेरे साथ की अकेली बेचारी, ये मेरी साथनी, ये मेरी साथनी साबलिया। अच्छा अच्छा हुन इन्ना एटीट्यूड है खंदे हो फसिया रुश पे शो ओए ओए तो रुश के वेख लो फेंदी पे नीचे पेंटी भी बहनी जी पेंटी भी बहनी जी नहीं नहीं चिट्टे हो गए अंदर रह रहा है रंग गोरा हो गया अंदर रह रहा है ये खपड़ाने लग गई है। और हाँ ये डक्की बाई भी बेचारा अकेला ही, कल भी इसी जगह पे दिखाया था, आज भी उधर ही जो है ना घूम रहा है। वो भी दोनों साथ ही बैठे हुए हैं अभी भी, और ये तीन है, इनमें से एक अकेला ही है, दो और एक अकेला। और सूरज जो है ना जाता हुआ गरूब होने के लिए, देख ले आज कोई पता नहीं सुबह नजर आना है कि नहीं आना, फिर जो है ना धुंध नहीं आके अपना। ओए ओए ये कितने मजे से, वो फोकस ही हट गया कैमरे का। ओहो इतनी प्यारी लग रही थी ना ये, सही बात है, प्रवृत्ति हुई। ये चेक कर मिर्चे जो है ना हमारी, छो हम आज कट ली कुट लेंगे हले, आप ही आंदे पे कटो कट लेंगे मैं आएंगे मैं नगर ओके ये ले। जिन्ना जिन्ना कहना ना साग वे एक सानू पार्सल कर छो, ओ ए मिर्चा एक चम्मच खाए इन्हें जिन्हें है ना चम्मच, तो उन्होंने साग देना पार्सल होइएगा ना, एड्रेस सेंड कर छो। पहला तो अद्धे बैठे हैं, हूं सारे वेखो किन्ने सलूक के नाल बैठे हैं मंजी ते, तुम खापी पायो मेरे तरह। ठंड अभी इनको लगना शुरू हो गई है, तो इकट्ठे होके बैठ गए। मेरा फेवरेट मुर्गा जो है ना ये वाला इनमें से। टीटी पापा साग को जो है ना चूल्हे से हमने उतार लिया, तो अभी जो है ना इसकी बारी है इसको गोटा छोटा लगाने की, ये जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कोटना, पंजाबी च घोटना, उर्दू च घोटना। आटे आटा जो है पानी में मिक्स करके भी डाले थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अभी है था साग में, तो इसमें जो है अच्छा पत्रा पाई। अम्मी गल दसन दे, अम्मी दसो दोबारा गंदला साग है ना पारो हां सारी पा लो लाओ हाँ एक फिर मैं करनी है मोबाइल साइड पे रख के अलहमदुल्ला जी। मजेदार सा देसी सरसों का साग जो है ना हमारा तैयार हो गया, तड़का वगैरह जो है ना हमने इसे लगा लिया, लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि लेट हो गए हैं, तो सबको जो है ना भूख लगी हुई है, तो फटाफट से कर रहे हैं। अम्मी जी जो है ना अभी बनाने लगे हैं फटाफट से यहाँ पे रोटियां, रोटियां जनाब हमारी बन रही हैं, अम्मी जी साथ बना रहे हैं साथ खा रहे हैं, सब जो है ना बैठ के आगे खाते जाएंगे, अबू जी भी खा रहे हैं। और ये चेक करें जी साग, और ये ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। घर का देसी मक्खन
अम्मी जो ना साइड से रखे हजे जो डेली चुप के देंगे ना वो है हजे साइड से रखे ने गर्म करने वास्ते चोरी चोरी तो मैं कट लिया क्योंकि यह सारे पूरा नहीं आना तो साग हो तो फिर मक्खन ना हो तो मजा नहीं ना आता। गर्मा गर्म रोटी गर्मा गर्म साग इतना डिटेल से मैंने दिखाना नहीं था, फिर मैंने कह दिया हुआ है ना वीडियो में कि आज का जो है ना साग यूट्यूब फैमिली के लिए है तो इसलिए जो है दिखा रही हूँ खा पी लें। और ये ऊपर आ गया जनाब हमारा मक्खन, इतना मक्खन रखा अम्मी जो है ना जिस नजरों से देख रहे हैं ना मुझे इतना बड़ा मक्खन रख लिया खुद भी जो है ना रख रहे हैं। रात के ना पूरे 9 बजे का टाइम है, कुत्तू के भौंकने की जो है ना आवाज आ रही है, आसमान पे सितारे जो है ना चमक रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं लेकिन कैमरे की आंख को जो है नजर नहीं आ रहे। मैं बाहर अभी आई थी तो ये मैं दिखाने के लिए जो है ना कैमरा उनके वो उठ के चली गई है बेचारी, मेरे ख्याल में उसे ठंड लग रही थी तो यहाँ पे जो है ना चूल्हे के ऊपर बैठी हुई थी, इधर आग जलाई हुई थी ना तो थोड़ा उसे मिल रहा होगा इधर सुकून, तो रोशनी देख के उठ के बेचारी चली गई है भाग गई है।